वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से 18 रनों से हारकर भारत विश्व कप से बाहर हो गई थी और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद विराट कोहली से कप्तानी छीनी जा सकती है। जी हाँ, भारत के विश्व कप से बाहर होने के बाद प्रशंसक काफी नाराज हैं और वो भी चाहते हैं कि अब रोहित को वनडे टीम की कप्तानी दे देनी चाहिए। फिलहाल रोहित भारतीय टीम के उपकप्तान हैं। वहीं भारतीय टेस्ट बल्लेबाज वसीम जाफर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को रोहित शर्मा को वनडे और T20 की कप्तानी सौंप देनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में ये लिखा है कि ये समय सही है, हिटमैन रोहित शर्मा को अब वनडे और T20 टीम की कप्तानी सौंपी जाए और मैं चाहूंगा कि 2023 में विश्व कप में भारत की कप्तानी करें। वहीं हार से नाराज प्रशंसकों का भी यही कहना है कि रोहित को अब ये जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। हाल ही में इंग्लैंड से मुंबई लौट चुके रोहित शर्मा को एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ देखा गया था। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशंसकों के कहने पर क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला लेता है और क्या विराट कोहली से कप्तानी छीनकर रोहित शर्मा को दी जा सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।